जो बालक खड़ा हुआ है काली वाइट टी शर्ट पहने हुए। हाँ आ जा प्यारे। कहाँ से हैं आप? नागपुर से। बोलो क्या बात है, क्या हुआ है? इसमें तो तलाक वाला परिवार का क्या चाहते उसमें? सामंजस्य। तो आप अलग होना चाह रहे हो? क्या नाम है उनका? उनका और कोई बात? तनाव बना, केस चल रहा, बहुत परेशान है, पत्नी से विवाद बना हुआ है, घमंड है उनको, घमंड है, स्वयं भी झुक नहीं रहे हो, स्वयं भी झुक नहीं रहे हो, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह गलत हैं। आगे अलग होने का संयोग बन रहा है, अलग होने का संयोग, निर्णय भी आपने ले लिया है, क्योंकि वो सामने वाले अपने रास्ते पर नहीं आ रहे, तो उन्हें परिवार का घमंड है, तो वह केस जल्दी निपट जाए। भत्ता व पेशी के कारण दिमाग टेंशन में रह रहा है, लगातार इसी की तैयारी में समय बीत रहा है, केस शीघ्र निपटेगा, बालाजी ने चाहा तो पक्ष में होगा, कात्यायनी पूजा करें, आशीर्वाद। लेकिन आप बहुत गलत हो। वो घृणा होता था उसे, वो विषय नहीं है, विषय जो हुआ है, एक तो वो बहुत शकीली, ठीक है, और तुम बहुत खुले विचारधारा के, परिवार में घर में तुम खुले विचारधारा के, दो तीन जगह तुमने भी उनको मैनेज नहीं किया, और उनको साइको बीमारी भी, आपकी पत्नी वंदना को, माइक ले लूं? हाँ जी। उनको साइको बीमारी है, डॉक्टर ने भी बताया, इलाज भी करवाया मनोचिकित्सक से, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, नहीं, और उनको घृणा भरती है, घृणा घृणा, कुछ भी करेंगी वो घृणा भर जाती है, छू ले अगर कोई तो घृणा भरेगी, आलू में घृणा भरेगी कि इसमें कुछ है तो नहीं है, आओ तुमसे भी घृणा हो, कहो तो मैं धोने का विचार करे, आओ। और एक और विचित्र है कि ये भोजन भी सर्फ एक्सल से, निर्मा से साफ करती, आलू भी, हाँ, तीन चार बार उसे लगने लगता नल में कुछ आ रहा है, तो पानी की टंकी में कहीं उसमें भी निर्मा डाल देती। समझ गए हम कुछ, एक मिनट रुको, अभी हमारा उद्देश्य समय जो प्रेरणा और आदेश लग रहा है, माइक ले लूं? सामंजस्य बनाओ, मिल जाए, हाँ वो तैयार रहेंगे, वो हम करवा, हम अलग इसलिए नहीं करवाना चाहते कि फिर उसका किसी को साथ नहीं देना, ये जो उसके परिवार की तरफ हमने देखा अभी तो साथ दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उसका कोई नहीं है, ना तो उसे दूसरी जगह पहुंच पाना, ना उसे किसी व्यक्ति को स्वीकार कर पाना है, और तुम्हारा हृदय भी जुड़ा है उससे, हम करते हैं, तुम अलग मत हो, हमारी आज्ञा है मत हो, क्योंकि उसको साइको है, अब वो उसका कोई दवा नहीं है, उसकी दवा सिर्फ हनुमान जी, उसका कोई इलाज थोड़ी है साइको का, घृणा का, इसे कहते हैं छुआछूत की बीमारी, छुआछूत की बीमारी वो है उसे, इसका कोई इलाज नहीं, आप हमें टाइम दो, मंगल की पेशी करो, और पत्नी का यानी वंदना का, उस बहन का चित्र लेकर आओ, और आप भी बहुत हनुमान जी के भक्त हो, आदमी बहुत अच्छे हो, ये दो तीन जगह तुमने मैनेज नहीं किया, उसका परिणाम तुम्हारा घर बिगड़ रहा, और हम बिगाड़ना नहीं चाह रहे, सामंजस्य बनवाना चाह रहे, लास्ट डिसीजन, हम मिलवाएंगे,
हाँ फोटो लेके धाम आओ, लेकिन बच के रहना, दोबारा फिर वो आलू ना धो देने माँ से।